नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। बता दें कि 28 तारीख को यानी कि 28 नवंबर को मुख्य हेमंत सोरेन एक बार फिर से शपथ लेंगे और उसके में तमाम जो बड़े बड़े नेता है इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार से और अन्य केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी की आने की भी बात यहां पे चल रही है। देख सकते हैं कि तैयारी जो है लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम जो यहां की तैयारियों का बारे में दिखाएं आपको कि यही मंच है जहां से हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे राज्यपाल के समक्ष और तमाम जो बड़े नेता हैं इसमें कहीं ना कहीं गवाह बनेंगे। देख सकते हैं कि झारखंड कलाकृति जो है वो भी यहां दर्शाया जा रहा है चित्रों के माध्यम से और अभी तक जो तैयारी है वो लगभग लगभग अब उसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े नेता है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी गए थे न्योता लेकर के कि शपथ ग्रहण समारोह में आप आइए और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं जो अलग अलग राज्यों के वहां पहुंच के उन्होंने सभी को निमंत्रण भी दिया है आने के लिए यहां पे शपथ ग्रहण समारोह में। देख सकते हैं कि रांची के मोरहाबादी मैदान में हजारों की संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि लोग इस शपथ ग्रहण में बैठ करके यहाँ इस क्षण का जो है ऐतिहासिक जो क्षण होगा उस पल का गवाह बनेंगे। देख सकते हैं कि बैठने के लिए भी यहाँ पे कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, साथ में मीडिया के लिए भी यहाँ व्यवस्था है। पत्रकार जो बंधु हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे इस कवरेज के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है और वीआईपी लोगों के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था जो है वो की गई है। बता दें कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अब अंतिम रूप जो है लेने उनका दिया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो कारीगर हैं इस मंच का अब जो तैयारी है उसमें अपनी जीतों और मेहनत कर रहे हैं और अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, सामने चेक पोस्ट भी बनाया गया है जहां लोगों की एंट्री होगी और उसके अलावा देख सकते हैं कि तमाम जो साउंड सिस्टम भी दिया गया है और LED भी चारों साइड जो है वो लगाया गया है जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में को आप लाइव देख सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। जो इस ऐतिहासिक क्षण के जो गवाह हैं सामने से नहीं हो सकते हैं तो ऐसे में उन्हें देखने के लिए झारखंड गवर्नमेंट की जो टीवी है उस पर भी इस ऐतिहासिक क्षण का जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब ऐसे ही अब वक्त जो है वो कम है, अब एक दिन ही बचे हैं। 28 नवंबर को नई सरकार झारखंड में आ जाएगी, हेमंत सोरेन जो है शपथ ग्रहण लेंगे और साथ में उनके अन्य मंत्री भी जो है वो शपथ लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम आपको हर खबर से अपडेट कराते रहेंगे, हर जानकारी से अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त, देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।